नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट, और इस बार भाजपा के नेताओं का झूठ ही भाजपा को डायरेक्ट हिट कर रहा है। मैं बात सांप्रदायिक दंगों की कर रहा हूं, जो एक यात्रा नूह से निकली थी, वहां से शुरुआत हुई और देखते देखते दिल्ली के मुहाने पे आया, और फिर बजरंग दल उस आग को पूरे देश में कैसे फैला जाए इसके लिए व्यवस्थित रूप से काम पे लग गया है। लेकिन फिर कुछ जमीर नाम की चीज़ होती है। कुछ लोग गए होंगे सत्ता के लोभ में, एनडीए के साथ गए होंगे, कुछ लोग सत्ता का मक्खन खाने अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा में गए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जमीर बाकी है ऐसा लगता है। वो अपने स्वार्थ के लिए जरूर गए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, यहां देश हित सामने आता है तो कहीं ना कहीं सच्चाई मुंह पे आ जाती है। न्यूज लॉन्चर टीम ने पिछले 3 दिन से विभिन्न पब्लिकेशंस, टेलीविजन चैनल्स, वेबसाइट खंगाल के एक कोलाज बनाया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दंगे होते हैं, करवाए जाते हैं या होने दिए जाते हैं, यह अहम सवाल है। यदि हम नूह के दंगे की ही बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने नूह के नलहर मंदिर में, वहां मौजूद थे ये इंसिडेंस के पहले, और जो उन्होंने भाषण दिया, एक सभ्य भारतीय होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, मैं वो शब्द यहां दोहरा भी नहीं सकता जो प्योर हेट स्पीच में आते हैं। मोनू मनेसर जो एक फरार मुजरिम है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसने वीडियो रिलीज किया कि मैं वहां आ रहा हूं टीम के साथ, सब लोग इकट्ठा हो। सुरेंद्र जैन साहब कहते हैं कि मोनू मनेसर को रोकने वाला प्रशासन कौन होता है, संविधान प्रशासन के ऊपर भी हो गए ये लोग, क्योंकि इनके लिए कानून लागू नहीं होता। ये भाजपा की मजबूरी हो सकती है सत्ता में आने की, देश की नहीं। जब आदमी संविधान की शपथ लेके मंत्री बनता है तो मन की नहीं तो जन की तो थोड़ी होती है। अनिल वीज साहब, फायर ब्रांड होम मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उन्होंने यहां तक वक्तव्य दे दिया कि नलहर महादेव मंदिर में मुसलमान दंगाइयों ने 3 से 4 हजार हिंदुओं को बंधक बना के रखा है। सुनिए, कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था, बाद में द वायर के कॉरेस्पॉन्डेंट ने उसी मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे बंधक बनाने वाली कोई बात ही नहीं थी, कोई मुसलमान यहाँ नहीं था जो हिंदुओं को जाने नहीं दे रहा था, कुछ लोग मंदिर में छुप गए थे क्योंकि बाहर वातावरण खराब था, मंदिर में बंधक बनाने वाली बात झूठी थी। मंदिर के पुजारी को सच माने या वीस साहब को, मंदिर के पुजारी ने संविधान की शपथ तो नहीं ली लेकिन वो इंसान है, मंदिर में झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेने वाले ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए कितना मिस इन्फॉर्मेशन इस देश को परोसते हैं, ताकि ये दंगे कम नहीं हुए, इसकी आग भड़कनी चाहिए। सीआईडी इंस्पेक्टर है विश्वजीत, उन्होंने इंडिया टुडे को, जो उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, मतलब जो स्टिंग ऑपरेशन करती है, उससे उनके पास जो वीडियोज है उसमें वो कहता हुआ दिखाई देता है कि हमारे पास तो ये इनपुट पहले से था कि यात्रा निकलेगी, इसमें हथियार भी लहराए जाएंगे, इसमें नारे भी लगेंगे, इसमें दंगे करवाने का पूरा एक पैकेज होगा।
और हमने 8-10 दिन पहले ही शासन को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। सुनिए इसको भी। तो क्या ये पहले से इनपुट आप लोगों ने नहीं दिया? लेकिन CID ने या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये इंफॉर्मेशन सरकार को दी थी। सरकार ने ये इंफॉर्मेशन नीचे थानों पे क्यों नहीं भेजी? कैसा हो सकता है? प्रिकॉशन करिएगा। जो ये सोचो है किशन कुमार नूह के, उनका वक्तव्य दिख लीजिएगा। यदि हमारे पास ये सूचना सरकार से आती तो हम प्रिकॉशनरी मेजर लेते, ये दंगे होने नहीं देते। इसका मतलब सरकार को मालूम था दंगे हो सकते हैं और सरकार ने होने दिया, जो दो दिन से हम ये कह रहे हैं। इसका इससे ज्यादा और घिनौना सत्य, नग्न सत्य हो नहीं सकता। इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा है, इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। CID वालों ने कोई पेपर चिट्ठी पत्री तो भेजी होगी आप लोगों को? CID ने मेरे पास कोई आपके पास पत्र चिट्ठी नहीं है? कोई ये भी तो आया होगा कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं आप लोगों का, ये आपका इंतजाम, कोई इंतजाम के बारे में? मेरे लेवल पर कोई बात नहीं, आपके लेवल पर इंतजाम का भी नहीं बताया ना? अगर ये होता भी इतना पता लग जाता ये ऐसा हो गया तो यात्रा नहीं जरूरी जाती पुणे में। यात्रा को ये वर्चस्व ही क्या बोलो, और इतना ऊपर लेवल पे ऊपर तो बोले भाई बोले सेम लल्लन टॉप के कुछ लोकल लोगों की बाइट्स आई हैं। उसमें लोकल लोग कहते हैं कि बिट्टू बजरंगी जो है मनु मनेसर का खास आदमी, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था फूल माला लेके आओ, तुम्हारा जीजा आया है। तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वर माला लेके तैयार रहो, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू, बता के आ रहा है, सभी मेवातवासियों को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है। ये किसको उद्देशित था? किसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए या किस समूह को उत्तेजित करने के लिए बिट्टू बजरंगी ये चिल्ला रहा था? यदि भगवान की यात्रा में आप जा रहे हैं तो फूल माला भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए जाते हैं। ये जीजा भगवान के कब हो गए कि जीजा आ गया? यात्रा तो भगवान की थी, भगवान के दर्शन के लिए थी, तो ये बाराती कहाँ से आ गया? क्या हरियाणा पुलिस में इतनी नैतिकता है कि ये बिट्टू बजरंगी को पूछे कि ऐसा क्यों कहा? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि साजिश, हिंदुओं के खिलाफ साजिश। तो ये यदि हिंदू बहुल एरिया में, जिस देश में हिंदू 80% है और हिंदू के ध्वजवाहक भारतीय जनता पार्टी यदि शासन में हैं, तो उनका शासन तंत्र कहाँ गया? हिंदुओं के जुलूस पे हमला होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, इतने कमजोर शासन के हाथ पैर फूल क्यों गए कि वो इंफॉर्मेशन तक बाहर नहीं देते? रख कहते हैं साजिश हुई है। लेकिन मैंने कहा ना कि लोग स्वार्थ के लिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जमीर जिंदा है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जमीर अभी जिंदा है। उन्होंने ये कहा कि इस दंगों के लिए यात्रा आयोजक जिम्मेदार होने चाहिए। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। राव इंद्रजीत सिंह जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो भी मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये धार्मिक यात्रा में हथियार किस काम के भाई? ये परसा, तलवारें, ये लहराने का क्या मतलब है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। भाजपा के ही
गजेंद्र शेखावत राजस्थान से आते हैं, जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री हैं। उन्होंने इंडिया टीवी में डिबेट करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस संभवतः किसी के तो भी दबाव में काम कर रही थी, जिसके वजह से ये दंगे भड़कने दिए। सवाल ये है शेखावत साहब, हरियाणा में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन में दबाव कौन दे सकता है, इसका सवाल आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए या अपने प्रधानमंत्री से पूछिए। टीवी डिबेट में ये सवाल उछाल के आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये तमाम चीज़ें इस तरफ इंगित करती है कि 2024 के चुनाव की तैयारी ऐसी ही होगी। विपक्ष ने जो इंडिया बनाया है, उस इंडिया के मंसूबे को, इंडिया को जला के ही ध्वस्त किया जाएगा। और ये आग अब शुरुआत है। बजरंग दल ने आह्वान किया ही है कि सब दूर अब आंदोलन होगा, मेवात में हिंदू बचाना होगा। अरे 1947 से लेके 2024 तक, 23 तक 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया, जिनके आरोप है कि जो मुसलमानों के प्रेम में काम करती थी। जब अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों की हितैषी सरकार 60 साल तक सत्ता में थी और हिंदू खतरे में नहीं था, अब 56 इंच वाली हिंदू सरकार है तो अब हिंदू क्यों खतरे में है? सरकार खतरे में है कि हिंदू खतरे में है? भाजपा खतरे में है कि हिंदू खतरे में है? संविधान खतरे में है कि आपको जो अपना सपना है 2024 का, वो खतरे में है? राहुल गांधी ने एक बात कही थी विदेशी धरती पे कि वर्तमान सरकार ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क के रखा है। सुनिए, दे हैव द बीजेपी हैज स्प्रेड केरोसिन ऑल ओवर द कंट्री, यू नीड वन स्पार्क एंड वी विल बी इन बिग ट्रबल। तब इस देश के गोदी मीडिया से लेके तमाम भाजपा वाले राहुल गांधी पे टूट पड़े थे कि राहुल गांधी भारत की बदनामी विदेश में कर रहे हैं। अभी जो भारत में चल रहा है, क्या वो सही है? प्रश्न ये है, या राहुल गांधी जी ने जो बोला उसके आगे यदि हम ये कहें कि केरोसिन तो पूरे देश में छिड़का के रखा है और सत्ता पक्ष के लोग माचिस ले लेके घूम रहे हैं, और उसके ऊपर घड़ियाली आंसू ये बहाए जाते हैं कि आने वाले रक्षाबंधन में बीजेपी के कार्यकर्ताएं मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाए। गलती से मुस्लिम बहनों ने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना ये कह दिया तो ये बगले धाकते नजर आएंगे। लेकिन मुस्लिम बहनों को भी मैं बोलता हूँ, राखी ज़रूर बांधिएगा, अपेक्षा मत रखिएगा, क्योंकि ये भी चुनावी जुमला ही साबित होगा। इन्होंने ऐसे कौन से वादे निभाए जो आपके रक्षा के वादे निभाएंगे? प्रधानमंत्री ज़रूर एक बात कहते हैं, दिल से कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। अब स्वयं की सुरक्षा चाहे रेलवे में हो चाहे घर में हो, खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रशासन स्वयं आग लगाने के लिए घूम रहा है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।